शुरू करते हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए शुरू, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा। तो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा, तो आप लोग जानते हैं कौन सा, वो सोडियम है। कौन सा है, तो आपका सोडियम इनका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की कुल संख्या कितनी है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं अपना लोगों को प्राकृतिक से प्राप्त कितने तत्वों की संख्या है, तो 88 है। तो प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है, तो 88 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक परमाणिक तत्व कौन सा है। तो एक परमाणिक तत्व कौन सा है, तो मतलब कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें एक ही परमाणु होते हैं। तो आप लोग को पता होगा अक्रिय गैस, ठीक है। एक परमाणिक तत्व कौन सा है, तो आप लोग को पता होगा कौन सा है, तो अक्रिय गैस है, ठीक है। जितने भी अक्रिय गैस है सब में एक परमाणिक तत्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो आप लोग कह सकते हैं अपना लोग को शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप लोग बहुत सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, वो क्या है आपका, ऑक्सीजन है। कौन सा चीज़ है वो, वो आपका ऑक्सीजन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन अपना है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति वाला तत्व है। तो जिसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन की प्राप्त होती है वो कौन सा तत्व है, तो आप लोगों को पता है वो कौन सा है, क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मानव निर्मित तत्वों की संख्या कुल कितनी है। मानव के द्वारा कुल तत्व कितने बनाए गए हैं, तो आप लोग कह सकते हैं 24। मानव के द्वारा कुल कितने तत्वों को बनाए गए हैं, तो 24 तत्वों को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है, जिसमें बहुत कम विद्युत होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, तो आप लोग का कौन सा होगा इनका राइट आंसर, तो फ्लोरीन। कौन सा होगा इनका राइट आंसर, तो फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा, जिसमें बहुत आयन, देखिए न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा। न्यूनतम मतलब होता है बहुत कम, आयन मतलब आप लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूनतम आयन विभव वाला कौन सा तत्व है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सीजियम। कौन सा है, न्यूनतम आयन वाला विभव वाला तत्व, तो कौन सा आपका सीजियम है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा। देखिए सर्वाधिक आयन विभव का मतलब हो जिसमें बहुत अधिक आयन पाया जाता है, जिसमें बहुत अधिक निगेटिव चार्ज पाया जाता है, विभव वाला तत्व कौन है, यानी कि सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा, तो आप लोग को क्या राइट आंसर हो गया, तो हीलियम, ठीक है। हीलियम में बहुत से आयन पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है। विद्युत का जो है सुचालक अधातु कौन सा है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं कि तत्व का मतलब चांदी होगा, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है, तो वो चांदी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा, देखिए सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, तो आप लोग जानते हैं सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, लिथियम है, ठीक है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, लिथियम। देखिए लिक्विड अधातु तत्व कौन सा है, लिक्विड का मतलब हिंदी होता है द्रव, द्रव अधातु तत्व कौन सा, तो आप लोग जानते हैं ब्रोमीन है, ठीक है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं ब्रोमीन। आप लोग को दे देगा कि लिक्विड अधातु तत्व कौन सा, तो आप लोग को मारना है क्या, ब्रोमीन। लिक्विड का हिंदी होता है क्या, द्रव होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो अस्मियम होता है। कौन सा होता है, सबसे भारी तत्व अस्मियम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए लिक्विड और धातु तत्व कौन सा, वहाँ पे था धातु, यहाँ पे क्या, वहाँ पे अधातु था, यहाँ पे क्या है, धातु। देखिए लिक्विड धातु तत्व कौन सा है, तो लिक्विड धातु कौन सा तत्व है, लिक्विड धातु तत्व कौन सा है, तो आप लोग को पता है पारा है। लिक्विड का मतलब द्रव, धातु मतलब आप लोग जानते हैं, धातु तत्व कौन सा है, तो आप लोग पारा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 112। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 112 है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्वों की कुल संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्वों की कुल कितनी संख्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि धातु तत्वों की कुल 19 संख्या है, ठीक है। धातु कितनी है, तो आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी में धातु की कुल कितनी संख्या है, 90 है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु तत्व की कुल कितनी संख्या है, तो अधातु कितनी है, आप लोग कह सकते हैं कि 22 अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने धातु है, 90 धातु है, और अधातु कितने हैं, 22 है, और उपधातु कितने हैं ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहीं तक था, तो आज के लिए इतना ही। इनके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग कोई कमेंट के लिए एक क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार काम करता है, ठीक है, किन के अनुसार सजाया गया है, किन के
स्ट्रक्चर पे काम करता है, इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताना। तो जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आप लोग ये सब बात तो अच्छे से जानते होंगे। तो जय हिंद जय भारत।